नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS Education पर। मित्रों, कल मुझे LDC से जुड़ा एक अपडेट मिला था, वही आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कल मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण आपको वो अपडेट नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, जालोर निवासी दूधाराम मेघवाल ने हाई कोर्ट में रिजल्ट वो आंसर की को लेकर चुनौती दी है। वो पूरी खबर क्या है जानने से पूर्व, अगर आप चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बराबर ही बने बेल आइकन को दबा दें, आपको चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो खबर यह है कि LDC भर्ती के परिणाम और उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती, सार विवादित प्रश्नों के बोनस अंकों के लिए याचिका दायर, RSM SSB को 22 मई तक जवाब पेश करने की दी है मोहलत। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रसिद्धि भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम और उत्तर कुंजी को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को जवाब पेश करने के लिए 22 मई तक की मोहलत दी गई है। RSM SSB ने इस भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय में पहले से ही कैविएट दाखिल कर रखी है। जालोर जिले के सेरना गांव निवासी दूधाराम मेघवाल की ओर से अधिवक्ता रज्जा की हैदर ने रीट याचिका दायर कर LDC भर्ती में जारी उत्तर कुंजी में चार विवादित प्रश्नों के आधार पर 7 मार्च को घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग की है और संशोधित परिणाम जारी करने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि बोर्ड ने उत्तर कुंजी में अभ्यर्थियों से सशुल्क आपत्तियां मांगी थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने निर्धारित शुल्क अदा कर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवाई थी। इसके बावजूद बोर्ड ने आपत्तियों को नजरअंदाज कर विवादित प्रश्नों को बिना रिलीट किए ही रिजल्ट जारी कर दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ता केवल 1.68 अंकों से अगले चरण के लिए अपात्र घोषित हो रहा, जबकि LDC भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र में 3 और द्वितीय प्रश्न पत्र में 1 प्रश्न के उत्तर को लेकर उत्तर कुंजी और अन्य प्रमाणिक पुस्तकों में विरोधाभास है। गलत उत्तरों को सही मानकर मूल्यांकन करते हुए याचिकाकर्ता को अपात्र घोषित करना अनुचित है, मनमानापूर्ण होने के साथ विधि विरुद्ध विधि विरुद्ध भी है। यानी कहने का मतलब यही है कि जो LDC का प्रश्न पत्र प्रथम, उसमें 3 क्वेश्चन गलत किए गए और द्वितीय में 1 प्रश्न गलत किया, यानी 4 प्रश्न गलत किए। चारों ही क्या है कि अगर किताबों में देखें तो प्रमाणिक पुस्तकों में विरोधाभास है, कहीं में सही हो रहे हैं तो कहीं में गलत हो रहे हैं, उत्तर अलग अलग आने के कारण सेवा चयन बोर्ड ने क्या कर दिया, इस प्रश्न को क्या कर दिया, गलत मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं वो जो RSM SSB क्या अपना जवाब देता है 22 मई को। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।